हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये लुक बहुत ही आसान है, बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। अगर कहीं पर मुझसे गलती हुई हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे ध्यान रखूँगी उस बात का। और अगर आपको ये अच्छा लगता है लुक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलो देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे किया है। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो ये लुक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है गुड वाइब्स का ये रोज़ ग्लो टोनर। टोनर लगाना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो हमें विंटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होता है कि हमारी फेस जो हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करे और हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। तो स्किन केयर करना बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। उसके बाद मैंने लिया है ये फेस ग्लो टोन सरम डर्मोडॉक का। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और मैं अभी ज़्यादा मतलब नहीं यूज़ किया हुआ है ज़्यादा टाइम, तो इसीलिए मुझे इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी मुझे नहीं याद आता है। डर्मोडॉक का ये फेस ग्लो सीरम टोनर बोल रही हूँ, तो इसे मैंने लगा लिया है और इससे आपकी स्किन जो है ना वो बहुत हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज भी हो जाती है और ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। और मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लिया है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लगभग मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, उन्होंने इसे यूज़ किया हुआ है तो बहुत सारे मतलब इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छा है, आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, वर्क करता है, तो आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसे लगा लेना है। उसके बाद मैंने लिया है इनसाइड का प्राइमर और ये बहुत अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल भी है। इनसाइड के प्रोडक्ट वैसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। और अभी विंटर में होता क्या कि हमें हमारी स्किन पे ना ग्लो होना चाहिए क्योंकि बुरुखी बेजान सी हो जाती है, तो इसीलिए हमें कुछ अलग से करने का होता है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है ये, हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो आ जाता है इसे लगाने के बाद, आप देख सकते हो। तो मैं इसे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है मैबेलिन फिट मी फाउंडेशन, जो कि शेड मेरा है 230, आप देख सकते हो। और मैं इसे अपने ही फिंगर के उससे पहले डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी, उसके बाद इसे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो पूरे फेस पे मैं फिंगर की हेल्प से इसे लगा रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो मैंने अपने फिंगर का इस्तेमाल किया है, उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। और जब भी आप ब्लेंड करें तो आप पहले पानी में डाल के भिगो दीजिए, उसके बाद उसका पानी निचोड़ कर तब आप इस्तेमाल करिए। इससे आपका मेकअप जो होगा बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, मतलब आपका फाउंडेशन कंसीलर ब्लेंड होगा अच्छे से। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है एनबावे का कंसीलर और इसे मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे भी ब्लेंड करूँगी। आइस पे भी मैं साथ में लगाती जा रही हूँ ताकि मुझे बाद में लगाना न पड़े। फेस के अराउंड जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे आप वहाँ पे लगा सकती हैं। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके इसे भी ब्लेंड करना, जैसे कि हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था। रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपका मेकअप जो वो अच्छा नहीं दिखेगा, केक के दिखेगा। तो देख सकती हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आइस पे भी आप सेम उसी तरह से ब्लेंड करना जैसे कि आपने मेकअप फाउंडेशन को ब्लेंड किया है, नहीं तो अगर आप सही से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपके क्रीज अब ज़्यादा बन आने का चांस रहता है, क्रीज
जो केकी दिखने लगता है आपका मेकअप। उसके बाद मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया फेसेस कनाडा का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसे मैं हल्के हल्के हाथ से सेट कर रही हूँ अपने मेकअप को, ताकि कहीं पे लाइन ना दिखे। अच्छे से सेट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्के हाथ से ही। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, और ये किट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। तो मैंने इसे बाय किया था पर्पल से, आप चाहो तो इसे पर्पल या फ्लिपकार्ट से पैक कर सकती हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये आईब्रो किट होने वाली है आपके लिए होगी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने कर लिया अपने आप इसको फिल कर लिया है। उसके बाद ये लाइट से कलर बोर्ड आई शैडो पैलेट से ये लाइट ऑरेंज शेड लेके अपनी क्रीज के ऊपर इसे मैं अच्छे तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आराम से ब्लेंड करना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। हल्का सा आप प्रोडक्ट लीजिए, उसके बाद ब्लेंड कर दिए, फिर आप दोबारा से लीजिए, उसके बाद फिर ब्लेंड करिए। आपका आई मेकअप तभी अच्छा दिखता है जब आपका ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हुआ हो। तो उसके बाद मैंने ये डार्क शेड लिया है, थोड़ा सा डार्क है, और इसे मैं अपने क्रीज एरिया पर लगा रही हूँ, ज़्यादा लगाऊंगी ताकि मेरी क्रीज जो है वो थोड़ी सी अलग दिखे, और तो लाइट के बाद डार्क थोड़ा। आप देख सकते हो मैंने पहले लिया, उसके बाद टैप किया, उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैंने लिया ये कॉपर सीड, शायद कॉपर ही तो, कॉपर सीड लेके और एक ब्रश की हेल्प से इसे मैं लगा रही हूँ। आप चाहो तो फिंगर का इस्तेमाल कर सकती हो, फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से पिक होता है ये कलर, और आईशैडो आप फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से लगा सकती हो। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी वाटर लाइन के नीचे स्मर्श कर रही हूँ ब्राउन शेड लेके। जो भी आप शेड अपने ऊपर अप्लाई किया वही शेड आप नीचे भी अप्लाई करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आई लुक अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद मैंने लिया मैबलिन का ये आईलाइनर, और हल्का सा छोटा सा विंग निकालते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसके आईलाइनर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद अपनी आईलैश को मैं कर्ल कर रही हूँ कर्लर की हेल्प से, जैसे आपको फॉल्सेस की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप कर्ल कर लेते हो अपनी आईलैश को तब। उसके बाद मुझे थोड़ी सी अधूरी लग रही थी अपनी आईज, तो मैंने लगा लिया काजल। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो काजल को। सो मैंने दोनों आईज पे सेम तरीके से काजल लगा लिया है, और इसमें स्मर्श नहीं करूँगी, ऐसे छोड़ दूँगी। और जो मैंने सेट लगाया था ग्लिटर सेट अपने लगाया था आईलेट पे, वही सेट मैं लेके इनर कॉर्नर पर लगा लिया। मस्कारा के लिए मैंने लिया मैबलिन मस्कारा, मैबलिन का मस्कारा, मैबलिन मस्कारा, और वाटर लाइन के पे, और मतलब इसे लगाने के बाद आपको फॉल्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो आपकी जो पलकियाँ हैं वो एकदम से अलग अलग दिख रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा लंबी भी दिख रही हैं। तो बड़ी बड़ी आपको ऐसे ही मिल गई है, फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने लिया स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर प्रो प्लस पैलेट, उसमें से ब्राउजिंग शेड लेके मैं ब्राउजिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पर ब्राउजिंग करना ज़्यादा अच्छा है, और मेरे पास अभी कोई और पैलेट नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, इसलिए मैं इसी को दिखा रही हूँ, इसी से मैं ब्राउजिंग करती हूँ, वो है स्विस ब्यूटी का पैलेट। और इसे मैं फोरहेड पे, चिन पे, नोज मतलब कंट्रोल करना है, अगर आप चाहो तो भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा शेड है, आप ये पैलेट ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको 6 शेड ब्लश और 2 हाइलाइटर मिल जाते हैं, और इसे मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से। उसके बाद मैंने ब्लश लगा लिया है पीच सेट, आप देख सकते हो
मुझे पिंक नहीं चाहिए था, तो आज मैंने पिंक पीच सेट लिया है ब्लेस के लिए। बहुत ही सिंपल सा लुक है, आप लोग जरूर ट्राई करना। पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, उसे मैं पूरे फेस पे अपने अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ डैप डैप करके थोड़ा सा मैं और ज़्यादा लगा लूँगी, ताकि मेरा मेकअप जो है थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग और रहे। और इसके बाद मैं बनाऊँगी रील्स और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आई डी है aarthimakeup07। सो उसके बाद मैंने लगा लिया हाइलाइटर। मेकअप सेटिंग स्प्रे के बाद अगर आप हाइलाइटर लगाते हो तो आपको हाइलाइटर और ज़्यादा दिखता है, और विंटर में हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फेस जो है वो ग्लो करता है इससे। तो ग्लो के लिए आज हमने कितना कुछ किया, हाइलाइटर लगा लिया है, इल्यूमिनेटर लगा लिया है, ताकि मेरा फेस जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करे, ग्लोई ग्लॉसी लुक जिसे पसंद है वो ये लुक को जरूर करे। तो उसके बाद मैंने लिया सेहुडा की लिक्विड लिपस्टिक, और ये शेड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, डार्क शेड है, क्योंकि मैंने आईज थोड़ी सी न्यूज रखी है, तो इसलिए मैंने लिप्स को थोड़ा सा लाइट डार्क रखा है। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सबको ये मेरा लुक पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आप सब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।